तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 ऑफ बल्किंग। माय वे टू द जिम, जस्ट टुक अ शावर। आज होने वाला है मेरा शोल्डर्स। जस्ट रीच जिम, आई नेवर यूज द एलिवेटर। मैं हमेशा से सीढ़ी से जाता हूँ टू जस्ट गेट द एक्स्ट्रा स्टेप्स। जिम जाते हैं, माइक लगाते हैं, एंड आई शेयर फ्यू पॉइंट्स एंड अपडेट यू गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। सो कल हमने गया था बैक एंड बाइसेप्स एंड द वर्कआउट वाज ग्रेट, क्योंकि आई कैन फील इट टुडे। माय बैक इज रियली सोर, माय बाइसेप्स जो बहुत आसानी से सोर नहीं होता है, माय बाइसेप्स आर आल्सो सोर नाउ। आई कैन फील इट। एक चीज मैंने नोटिस किया है, आई थिंक जब मैं विदाउट कैमरा शूट करता था वो पुश नहीं मिलता था मुझे लास्ट फ्यू रेप्स में, जब मैं अकेला वर्कआउट करता था। अभी दोस्त आ गए, कैमरा भी है, आप लोग मेरा वर्कआउट भी देख रहे हो, तो एडिशनल मोटिवेशन एंड पुश मिलता है। सो थैंक यू गाइज फॉर दैट एंड रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज वर्कआउट। आज है मेरा शोल्डर्स। तो मेरा अभी वर्कआउट रूटीन ऐसा है, संडे को रेस्ट रहता है मेरा, मंडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, ट्यूजडे को बैक एंड बाइसेप्स, वेडनेसडे को शोल्डर्स और थर्सडे को लेग। उसके बाद एक रेस्ट डे रहता है, फिर सेम रूटीन फॉलो करता हूँ। मेरा यही रूटीन परफेक्ट है मेरे लिए, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ मैंने, बट दिस इज व्हाट सूट्स मी द बेस्ट, क्योंकि शोल्डर और लेग मेरा वीक पॉइंट है। मेरा लेग क्यों वीक पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए। अभी करते हैं शोल्डर्स। फॉर्म कवर इज ऑन, अभी नहीं निकालेंगे। ओके, ये मेरा वार्म अप सेट था, वर्किंग सेट करेंगे। फील्स गुड फॉर शोल्डर पेन भी इज फार लेस नाउ, क्योंकि टाइम दिया हूँ। लाइक गाइज, मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि माय बॉडी इज सोर, मेरा बॉडी इतना आसानी से सोर नहीं होता, बट यस्टरडेज वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट, इजिली वन ऑफ द बेस्ट। सो फर्स्ट वर्किंग सेट, इसको बढ़ा देते हैं। आई हैव सीन वन कमेंट कि गो फॉर बस कट करेंगे जब मेरा यूट्यूब में 500K सब्सक्राइबर्स हो जाएगा। श्योरली आई विल डू अ बस कट दैट। ओके, ग्रेट या ग्रेट। Okay, time for second set. Let's do it. Back is still sore. मजा आता है लेकिन soreness में. It's a pain, but मजेदार वाला pain है ये. I like it. आई एम ऑलवेज लाइक दिस। और सेट से मैं ऑल आउट चला जाता हूँ, सेकेंड सेट में भी ऑल आउट, थर्ड सेट में भी ऑल आउट। मैं कभी कभी ऑल्टरनेट करता हूँ, समटाइम्स आई डू विद डंबल्स, डंबल प्रेसेस, और समटाइम्स विद मशीन, ये वाला। इसमें मेरा माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई कैन फील व्हाट आई एम डूइंग, सो इसलिए मैं ये ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ अभी के लिए। पहले मैं डंबल से ही करता था, अभी भी करता हूँ ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि मेरा शोल्डर में पेन है जैसे कि आपको पता है। थोड़ा सा अभी बेटर है, पहले से बहुत बेटर हुआ है, बट फिलहाल मशीन में ही करेंगे विद लाइट वेट्स। ओके, हाँ नाइस, आई कैन फील इट। ओके नाइस, मस्त है, मस्त है, वेरी गुड। इसमें वेट्स बढ़ाएंगे क्योंकि दिस वॉज अ वेरी इजी सेट, थोड़ा सा टफ करेंगे इसको। सेकेंड सेट हमने वेट्स थोड़ा हमने बढ़ा दिया है, अभी 75। वैसे मैं जब बल करता था मैं इसको फुल स्टेप कर सकता था, लेकिन अभी नहीं करेंगे। गिव मी मोर, फ्यू मोर वीक्स।
वेट बढ़ा देंगे हम। इजी गुड, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, आई एम जस्ट अपलोडिंग अ रील। मेरा टाइम आ गया अभी रील अपलोड करने का, सो उसके बाद वी विल रिमूव अवर पंप कवर। लेट्स सी हाउ वी आर लुकिंग राइट नाउ। इसको निकालते हैं अभी। अभी और यूज हो रहा है अभी भी आई कैन सी द फ्रेंड्स। अभी तक गए नहीं है, क्योंकि 3 डेज से हुए हैं मेरे को सरप्लस में खाते थे ताकि हम मिनिमल टू मिनिमल एड ये करें। अभी और मेहनत बाकी है। नॉट देयर। मेंटेनेंस चल रहा है गाइस, उसके बाद वॉइस क्लियर होगा, उसके बाद करेंगे हम लोग साइड लैटरल रेजेस। हो गया, करते हैं। 10 से स्टार्ट करेंगे। Nice, I can feel it in my side delts. Okay, second set hum log ka, we'll do it 15. Always pose after a heavy set. Mast. अभी भी है स्ट्रेशन, अभी तक है, इट्स क्वाइट विजिबल। नाइस, अभी नहीं डालेगा टाइम है। सिक्स सेवन करेंगे रेडल्स को ट्रेन। मेरा वीक है ऐसे भी रेडल्स, तो विल टेक इट स्लो। नाइस, ओके अभी होगा सेकंड सेट अपना, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। ट्रेन टू फेल देयर ऑलवेज, गुड सेट, गुड रेप्स यूजली। अभी मेरा वर्कआउट यूजली मेरा कंप्लीट हो गया, मेन शोल्डर जो था मेरा वीक पॉइंट्स मैंने कर दिया है, अभी एनर्जी है मेरे में, तो आई यूटिलाइज दिस एनर्जी इन ट्रेनिंग एब्स। तो मैं हमेशा लेग्स के साथ एब्स ट्रेन करता हूँ, शोल्डर के साथ करता हूँ, और एक दिन वो मैं जब चेस्ट एंड ट्राइसेप्स होता है तब भी करता हूँ, या फिर बैक एंड बाइसेप्स डिपेंडिंग ऑन माय स्ट्रेंथ लेवल्स। तो 2 डेज फिक्स्ड है लेग्स के साथ एंड शोल्डर्स के साथ, एंड और एक एक्स्ट्रा डे मैं अलग अलग डे पे करता हूँ बेस्ड ऑन माय एनर्जी लेवल्स। मैंने पहले भी कहा है कि आई ऑलवेज डू दिस एक्सरसाइज
बोल दे क्योंकि इसमें मेरे को अच्छा लगता है करके और मुझे ट्रेन करके भी मजा आता है। मैं हमेशा अपना पेल्विक स्ट्रेच करता हूँ ज़्यादा, उससे मुझे स्ट्रेच ज़्यादा स्ट्रेच होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे फॉर एब्स, टक 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 विल डू। बहुत लोग बोलते हैं कि बल्किंग के टाइम पे कैन वी ट्रेन एब्स एंड माय आंसर टू दैट इज ऑफ कोर्स यू शुड ट्रेन एब्स एस्पेशली ड्यूरिंग द बल्क। कोर भी स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ होगा, कोर का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा जिससे कि आपका ओवरऑल अलग अलग एक्सरसाइजेस में भी हेल्प होगा स्ट्रेंथ इंक्रीज होने में। ऑलवेज ट्रेन एब्स, डोंट स्किप इट, आज एब्स कर लियो। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू कार्डियो इन द जिम, मैं रात को निकलूंगा वॉक करूंगा, आई विल ट्राई टू कंप्लीट 10-15,000 स्टेप्स, वो रात को होगा एज प्रॉमिस। रात को हम निकले हैं कार्डियो करने, ऑलमोस्ट 15K स्टेप्स डन, अभी घर जाके सो जाएंगे।